नमस्कार मित्रों, कुछ सदस्यों को सिंबल बनाने में कुछ तकलीफ हो रही है, तो मैं एकदम से सारे सिंबल इजीली कैसे बनाना है ये आप लोगों को लिए ये एक वीडियो स्पेशल बनाया जा रहा है। आपने सिंबल को पहले कागज़ पर बनाना है, कम से कम 100-100 बार आपने कागज़ पे बनाना है, फिर हाथ पे बनाना है, फिर हवा में बनाना है। इस तरीके से 3 बार प्रैक्टिस आपने करना है, तब हम शनिवार और रविवार को अटूनमेंट लेंगे इसका। तो पहला जो आसन है वो है सिद्धासन। सिद्धासन में क्या करना है, सिंपल है, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे एक चक्र बनाना है, 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से आपने सिद्धासन बनाना है। धीरे धीरे आपने इस वीडियो को देखना है। दूसरा जो सिंबल है हमारा वो है आत्मज्योति सिंबल। तो ये एक, ये पूरा एक में ही समाहित है और ये 2। इस तरीके से आपने आत्मज्योति सिंबल को बनाना है। नेक्स्ट जो सिंबल है हमारा वो है चोकुरे। चोकुरे को दिखने में बहुत आसान है, लेकिन बनाते समय थोड़ा ध्यानपूर्वक बनाना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसका। चोकुरे ये हमने एक लिया, यहाँ से इसको घुमाया, 1 2 और 3। यहाँ पे आप जॉइंट भी कर सकते हैं और इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, दोनों भी चीज़ है। तो ये आपका चोकुरे बन गया। नेक्स्ट जो सिंबल है हमारा वो है सहकी। सहकी में आपने यहाँ पे इंग्लिश का 4 बनाना है और इसको यहाँ से आपने 5 बनाना है। 1 4 बनाना है और 5 बनाना है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कंगूरे देना है, 3 एंड 4। मतलब 1 में आपने इतना बनाना है, ये 1 में आपने इसको ये 4 बनाया, फिर यहाँ से ये 5 बनाया, 2 में आपने इसको लाइन लेनी है और 3 4 में 2 कंगूरे बनाने हैं इसके। तो इस तरीके से आपका सहकी बन जाएगा। चोकुरे और सहकी, ये 2 सिंबल हो गए। नेक्स्ट जो सिंबल है हमारा वो है जोनार। जोनार में आपने 1 में आपने जेड़ बनाना है, जेड़ बनाना है 1 में, ये हमने जेड़ बनाया। यहाँ पे आपने पेन रखना है और यहाँ ऊपर की तरफ ले जाना है, ये 1 2 और ये 3। इसको हम फिर से बनाते हैं। जोनार सिंबल जेड़ बनाना है, यहाँ से आपने ऊपर लेके गया, 1 ये 2 और ये 3 में इसको बाहर निकालना है। ये जो है यहाँ ऊपर ले जाएंगे, 1 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया और 3 में आपने इसको बाहर निकालना है। तो इस तरीके से ये जोनार सिंबल आप बना सकते हैं। जोनार सिंबल में ध्यान रखना है आपने कि जेड बनाने के बाद इसको हमने ऊपर ले जाना है, 1 2 और ये 3 कंगूरे पूरे करके इसको बाहर निकालना है। इस तरीके से आप जोनार सिंबल बना सकते हैं 100-100 बार। जो सिंबल आपको जम नहीं रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपने बनाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है हमारा डाइकोमियो। डाइकोमियो में फर्स्ट लाइन आपने यहाँ पे 1, ये 2 को यहाँ जोड़ दिया, 3 को नीचे लिया, 4 को नीचे लिया, 5 में बीच की लाइन दी, 6 में साइड से दोनों भी, 7 8 में हमने एक लाइन ली, 8 9 10 11 12 13 14, इसमें एक ग्रेटर देन का सिंबल बनाना है। ये हो गया। यहाँ पे फिर 17 18 19 20 21 22, इस तरीके से आपने इसको बनाना है। एक बार और हम बनाते हैं इसको। ये 1 2 3 यहाँ से लेना है, इसको जोड़ के ही लेना है, 3 4 5
छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। सबसे लास्ट जो सिंबल है हमारा वो है सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल गायत्री सुरक्षा कवच। इसमें आपने दो ट्रायंगल बनाने हैं, तो पहला ट्रायंगल हमारा बनेगा एक दो तीन, पहला ट्रायंगल बना, चार पाँच और छः, इस तरीके से ये बनाया आपने। इसके बाद में सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, आपने इसके लेफ्ट साइड में आना है, तेरह चौदह और पंद्रह, सोलह सत्रह और अठारह, उन्नीस बीस और इक्कीस, बाईस तेईस और चौबीस। गायत्री सुरक्षा कवच चौबीस अक्षरों में हमने बनाना है, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो चौबीस ही अक्षरों का मंत्र है। तो इस तरीके से आप इन सिंबल्स को बनाने की भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।